आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने अहमदाबाद थाना का किया औचक निरीक्षण तथा पुलिस पदाधिकारी को चुनाव से संबंधित दिए कई दिशा निर्देश। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पूरे थाना क्षेत्र की समीक्षा की गई है, साथ ही संवेदनशील बूथ की भी जानकारी ली गई है। इसके अलावा थाने में कितना वारंट पेंडिंग है एवं कितना डिस्पोजल हुआ है इसकी भी समीक्षा की गई है। वहीं यहाँ पर 7 लोगों के पास लाइसेंसी बंदूक है जिसे थाना में जमा कराया गया है एवं अन्य सभी बिंदुओं पर समीक्षा की गई है। मौके पर SDPO मनोज कुमार, पुलिस इंस्पेक्टर रामचंद्र मंडल, थाना अध्यक्ष सतीश कुमार हिमांशु सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। आज अहमदाबाद थाना क्षेत्र में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पूरे थाना क्षेत्र की जो है समीक्षा की गई। बूथों पर जो यहाँ से जाने में कितना टाइम लगेगा, कौन सा बूथ कितना दूर है, कौन सा बूथ वल्नरेबल है, ट्रबल मेकर्स कौन है, उन पे क्या कार्रवाई हुई है, थाना में कितना वारंट पेंडिंग है, कितना डिस्पोजल हुआ है, कितने आर्म्स लाइसेंस हैं, और यहाँ पर 7 थे, 7 जो है हम उनके लोगों के द्वारा जो है डिपॉजिट भी कराया गया है। तो ये पूरी जो समीक्षा है SDPO मनिहारी हैं और पुलिस अंचल निरीक्षक मनिहारी हैं, थाना अध्यक्ष और बाकी जितने पदाधिकारी हैं सभी के साथ इसकी समीक्षा की गई है। और कुछ चीज़ें जो हैं उसको जो है और इम्प्रूव करने का इसमें निर्देश इनको दिया गया है, बाकी अभी चीज़ें ठीक हैं। थैंक यू।